तो हाँ तो यार गाइस हाजिर हैं आपके लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे पाइनियर की तरफ से आने वाले बहुत ही जबरदस्त 400 वाट 6.9 कार स्पीकर की। जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इनका पूरा रिव्यू दूंगा। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूँ, जो लोग अपनी कार के अंदर अच्छी साउंड क्वालिटी और अच्छी बेस क्वालिटी चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों ये स्पीकर उन्हीं लोगों के लिए होने वाले हैं। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूँ, जो लोग अपनी कार के अंदर ओनली स्टीरियो से स्पीकर को चलाना चाहते हैं, जो लोग दोस्तों अपनी कार के अंदर एम्पलीफायर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों उन लोगों के लिए भी ये स्पीकर काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इनका पूरा रिव्यू दूंगा। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूं, आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्पीकर आप कौन से स्टीरियो से चला सकते हैं और कौन से स्टीरियो से नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास पाइनियर की तरफ से आने वाले 6.9 कार स्पीकर का बॉक्स, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पाइनियर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और ये है यहाँ पर 400 वाट इसकी मैक्स पावर है, और 3 वॉइस हमारे ये स्पीकर हैं, और 6.9 दोस्तों इसका साइज है। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर मॉडल नंबर की, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर हाई सेंसिविटी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यह है इसका मॉडल नंबर TSR6951S। और दोस्तों 3-way हमारे कार स्पीकर हैं। तो ये है दोस्तों इसकी बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। और दोस्तों जैसे कि आप ये स्पीकर के ऊपर यहाँ पर एक डाया देख पा रहे हो, यहाँ पर कैंची सी बनी हुई है। अगर दोस्तों आपको इन स्पीकर के लिए कोई बॉक्स बनाना है, तो जो बॉक्स के अंदर का डाया है जिससे आपको स्पीकर का होल करना होगा, आप चाहे तो इस पेपर को काट कर इस पेपर से भी इसका होल बना सकते हो, जिससे ये आपका आसानी से स्पीकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों साइड से ये हमारे स्पीकर अनबॉक्स होते हैं, और देखिए दोस्तों ओरिजिनल जो स्पीकर है उसकी पहचान आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको पाइनियर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप इस तरह से करोगे अप डाउन, तो यहाँ पर आपको पाइनियर देखने के लिए मिलेगा। और सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पर टेप की सेल देखने के लिए मिलती है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले हटा देता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। तो इधर की तरफ से ये दोस्तों हमारे बॉक्स के स्पीकर खुलते हैं। तो ये है हमारा वारंटी कार्ड वगैरह। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो इसके बॉक्स कॉन्टेंट है उनको मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ, और फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अभी जो बॉक्स कंटेंट है वो मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमें स्पीकर माउंट करने के लिए कुछ स्क्रू देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों ये है इन स्पीकर का वारंटी कार्ड, 1 ईयर की इन स्पीकर की वारंटी होती है ऑल इंडिया। तो चलिए इसको भी रखता हूँ साइड में। और दोस्तों यहाँ पर हमें स्पीकर में माउंट करने के लिए कुछ यहाँ पर वायर भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर दोस्तों मैं वायर की क्वालिटी की बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर है और अच्छी खासी लेंथ के साथ में हमें देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों अगर मैं स्पीकर की पैकिंग की बात करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें थर्माकोल की पैकिंग के अंदर कुछ इस तरह के स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं ये स्पीकर थर्माकोल की पैकिंग से बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अभी जो स्पीकर है वो मैंने अपनी थर्माकोल की पैकिंग से यहाँ पर बाहर निकाल लिए हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम अपने स्पीकर के फ्रंट से, तो फ्रंट में हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर इनकी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं दोस्तों ग्रिल की क्वालिटी की बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इनकी बिल्ड क्वालिटी है। और दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रिल पर पाइनियर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों ये जो आप मटेरियल देख पा रहे हो, ये यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है। और दोस्तों ये जो आप बीच में देख पा रहे हो, ये यहाँ पर हमें लोहे की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। इसका फ़ायदा दोस्तों हमें देखने के लिए ये मिलता है कि स्पीकर के अंदर दोस्तों हमारा कोई भी जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो नहीं गिरेंगे, जिससे हमारा जो स्पीकर है वो डैमेज नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह की हमें कुछ ग्रिल देखने के लिए मिलती है। तो इसको रखता हूँ मैं दोस्तों साइड में। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने स्पीकर के फ्रंट की। तो ये है दोस्तों हमारा स्पीकर, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। दोनों ही तरफ दोस्तों हमें सबसे पहले पाइनियर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। इधर भी पाइनियर की ब्रांडिंग दिखाई गई है, और दोस्तों इधर की तरफ भी। और दोस्तों स्पीकर के फ्रंट में हमें यहाँ पर मिड देखने के लिए मिल जाती है, और दोस्तों साइड में ही हमें यहाँ पर एक पीजो ट्यूटर देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों ये जो आप इसके रेड कलर की लाइनिंग देख पा रहे हो, इनसे ये स्पीकर मुझे काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन स्पीकर के कोन की।
तो ये जो आप दोस्तों डिस्प्ले में कौन देख पा रहे हो, ये यहाँ पर मुझे कुछ पेपर टाइप की दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों मुझे इसे देखकर लग रहा है कि ये दोस्तों वाटरप्रूफ है। और दोस्तों ये जो आप साइड में इसकी सराउंड देख पा रहे हो, ये जो सराउंड है दोस्तों ये हमें कपड़े टाइप की देखने के लिए मिल जाती है। इसका फ़ायदा दोस्तों हमें देखने के लिए ये मिलता है, जिससे दोस्तों हमें इस स्पीकर को ज़्यादा पावर नहीं देनी पड़ेगी और कम पावर में ही दोस्तों ये स्पीकर हमारा अप डाउन हो जाएगा। इसी से दोस्तों हमें अच्छी खासी बेस भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और जो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो भी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो ये है दोस्तों हमारा फ्रंट से स्पीकर देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी बैक साइड में। तो ये है दोस्तों इन स्पीकर की बैक साइड, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी चेचिज की, तो यहाँ पर हमें स्टील की चेचिज देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की हमें टर्मिनल भी देखने के लिए मिल जाती है, जिनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये है इसका मैग्नेट, अगर मैं मैग्नेट की यहाँ पर साइज़ की बात करता हूँ तो अच्छा खासा हमें मैग्नेट का साइज़ भी देखने के लिए मिलता है। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूँ, इससे हैवी जो स्पीकर हैं वो हमारे स्टूडियो पर नहीं चलते हैं। तो दोस्तों ये जो स्पीकर है पाइनियर ने स्टूडियो के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने मैग्नेट पर लगे गए स्टिकर की। तो यहाँ पर भी हमें पाइनियर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है, ये इसका मॉडल नंबर वगैरह दिखाया गया है। और दोस्तों 400 वाट इसकी मैक्स पावर है। अगर मैं इसकी आरएमएस पावर की बात करता हूँ, नॉमिनल पावर की बात करता हूँ, तो 50 वाट आरएमएस के ये दोस्तों हमारे स्पीकर हैं। और इम्पोर्टेंस जो है दोस्तों वो हमारे 4 ओम्स के ये हमारे स्पीकर हैं। और ये यहाँ पर इसका सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाता है और 69 की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और कोक्सल 3-वे हमारे कार स्पीकर हैं। तो ये है दोस्तों इन स्पीकर का फ्रंट और बैक, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी है। और दोस्तों कुछ इसी तरह का हमें दूसरा भी स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों हम इन कार स्पीकर को कौन से स्टूडियो पर चला सकते हैं और कौन से स्टूडियो पर नहीं चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप इन कार स्पीकर को किसी भी कार स्टूडियो पर चला सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आउटपुट की बात करता हूँ, अगर आप कंपनी का कार स्टूडियो को यहाँ पर इस्तेमाल में लोगे, अगर दोस्तों आप कंपनी के कार स्टूडियो पर इनको इस्तेमाल करोगे, तो दोस्तों जो इसकी आउटपुट है वो आपको नेक्स्ट लेवल ही देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी के कार स्टूडियो पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफ़ी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी और काफ़ी अच्छी आपको बेस क्वालिटी भी देखने के लिए मिलेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन स्पीकर के प्राइस की। तो ये स्पीकर दोस्तों ऑनलाइन या फिर आपको ऑफलाइन 3000 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों ये स्पीकर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इनके ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि दोस्तों ये स्पीकर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों इन स्पीकर की साउंड क्वालिटी की। यदि दोस्तों आप इन स्पीकर की साउंड क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट कर देना है। और यदि दोस्तों आप इन स्पीकर को किसी और स्पीकर के साथ कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिला आपको सबसे पहले, और सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।